आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बोर्ड के, ये लोग वायरिंग टीम है हमारे तीन नए स्टूडेंट, और इसको हम साथ करा के देखना चाहते हैं कि हमारी एमसीबी टिप्पणी की नहीं करती है। ठीक है, तो इसके पीछे का हिस्सा हम दिखा रहे हैं जो आप लोगों ने वायरिंग किया, जरा वो दिखा दीजिए। पीछे का हिस्सा दिखाइए जो क्या कैसे आप लोगों ने वायरिंग किया। ठीक है, तो ये बताइए इसका वायरिंग आप लोग कर लेंगे? हाँ, इस बोर्ड का वायरिंग कर लेंगे, इस पूरे बोर्ड का वायरिंग कर लेंगे, ये बोर्ड का पूरे? जी सर। अच्छा, तो कहीं से कोई दिक्कत? कितने दिन हो गया आप लोग को पढ़ते? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में? तो कैसा रहा यहाँ का अनुभव और प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यानी आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब इन लोगों ने इसका पूरा वायरिंग किया इस बोर्ड का, अब ये शॉर्ट करा के देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? शॉर्ट करा के देखना चाहते हैं एमसीबी ट्रिप करती है या नहीं करती है। अच्छा, ये एमसीबी ट्रिप करती है कि नहीं करती है देखना चाहते हैं, तो चलिए शॉर्ट करा के देखते हैं हम। जी सर, अब देखिए ये शॉर्ट कराने हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कराइए आप। ये रहा है। हाँ। और ये रही एमसीबी टिप कर गई, देखिए ऊपर ये हैवेल्स की एमसीबी लगी हुई है, ये गिर गई, इन्होंने एक साथ शॉर्ट कराया, तो जैसे हम ऊपर करेंगे ये हमारा बोर्ड चालू हो जाएगा। तो ये एमसीबी को हमने शॉर्ट करा कर देखा, इसे बेल है, बेल का यूज हम कर सकते हैं। अब ये स्विच है, हम इसको चालू बंद कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो अब ये हमारा 16 एम्पीयर का स्विच सर्किट है। ठीक है, जैसे हाई पावर का चलाना हो तो 16 एम्पीयर में खोसेंगे। तो समझ में आया? यस। अब देखिए एक और प्रैक्टिकल हम कराते हैं आप लोगों से, जैसे ये हमारा मेन बोर्ड है। ठीक है, और वहां से एक तार और एक प्लग लेते हैं। अब हम देखेंगे कि बिना इलास के हम लोग से कनेक्शन करवाते हैं इस बल्ब को जलाने के लिए। तो ये हमारा वायर, अब हम इसको ये जोड़ेंगे बिना प्लास और बिना टेस्टर, बिना प्लास बिना पेचकस के हम इसका कनेक्शन से करवाते हैं। ठीक है, तो ये रहा, हम इसमें खोज दिए। तो ये रहा हमारा प्लग, अब ये हम इनका ब्लब बल्ब से कनेक्शन कराएंगे बिना प्लास के। ठीक है, अब खुशी है इसको उधर उधर सो रही है। ठीक है, अब यहाँ से स्विच जूम करके दिखाइए, स्विच को हम चालू करते हैं। ठीक है, स्विच को चालू हुआ, इस पे हम दोनों पॉइंट पर रखेंगे तो लाइट आएगा, टच कराइए। ये हमारा बल्ब, चलो बल्ब फिगर करके दिखाइए, ये हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट जोड़िए, आप छोड़िए उस वायर को। अब देखिए ये एक बार जोड़ दिया, अब दूसरा वाला बार हम जोड़ाएंगे, जैसे ही टच करेंगे हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो अब ये बार जोड़ी है, पकड़िए दोनों हाथ से, पकड़िए दोनों बार को। हाँ, वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, वाइब्रेट होगा तो लाइट हल्का सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं ये लाइव प्रैक्टिकल हो रहा है, आप लोग घर ऐसा ना करिएगा क्योंकि ये सीखे हैं अभी इसलिए। तो ये देखिए ये
लाइव टेस्ट बिना टेस्टर और बिना ब्लास्ट के, ठीक है। जी तो कैसा लगा करके आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बताइए हमारे यूट्यूब लोग को, भाई लोग को जो देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये आप लोग घर ना करिए, क्योंकि अभी ये सीखिए इसको आगे। तो ये A1 कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट बस स्टेशन दथरा रोड में ये हमारी संस्था चलती है। तो ये अभी कहाँ से आते हैं आप? दुबारी से। ये दुबारी से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं? से। तो कैसा लगा इसको करके प्रैक्टिकल? बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से कुछ खुशी तरह का फील हो रहा है। अंदर से आप लोग को खुशी हो रही है कि हमारे हाथ में हुनर आ रहा है, ठीक है। अनुराग जी आप आइए जरा, बताइए हमारे सभी दर्शकों को, जो लड़के इस चीज के बारे में नहीं जानकारी है, गांव के जैसे लड़के घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कोर्स कैसा है उन लोग के लिए? सबसे बढ़िया इनको कोर्स लगाइए, क्योंकि कोई एसी बनाना सीखेगा, कोई फ्रिज बनाना सीखेगा, कोई वाशिंग मशीन बनाना, यानी इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम है, ठीक है। हर घर में इलेक्ट्रिक का काम है, हर घर में प्रेस, गीजर, कूलर, वाशिंग मशीन है। जो लड़के 12 पास करके घूम रहे हैं इधर उधर, उनके लिए सबसे बढ़िया कोर्स ये है। जो पढ़ना नहीं चाहते, आगे आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है, वो लड़के हमारे यहाँ आए, और 6 महीने में गारंटी है, 101% हमारा दावा है कि वो यहाँ से सक्सेस होके जाएंगे। क्यों? जी सर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।